वेलकम टू स्टडी स्केल पैमाना पढ़ाई का। और आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं वितरण के आधुनिक सिद्धांत या वितरण के मांग और पूर्ति के सिद्धांतों के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे वो साधनों और वस्तुओं की कीमतों के निर्धारण के लिए दो अलग अलग सिद्धांत फॉलो करते थे, लेकिन जो आधुनिक अर्थशास्त्री हुए उन्होंने साधनों या फिर किसी वस्तु की पूर्ति के वस्तु का मूल्य निर्धारित करने के लिए केवल एक सिद्धांत माना, और वो ये कि हम उनकी मांग और पूर्ति के कारकों के हिसाब से जहाँ पर वो एक दूसरे को काट रहे हों वहाँ पर ही उस वस्तु या उस साधन का मूल्य निर्धारित कर दें। तो इस सिद्धांत की अलग अलग मान्यताएँ हैं जो हम अभी देखते हैं। मान्यताओं में सबसे पहले नंबर पर मान्यता यह है कि प्रत्येक साधनों की इकाई जो होती है वो एक दूसरे के समरूप होगी। जो साधन होंगे वो एक दूसरे के पूर्ण स्थापन होंगे। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू किया जाएगा, पूर्ण रोजगार होगा, पूर्ण विभाजनीयता पाई जाएगी, सीमांत उत्पादकता को मापा जा सकता है, और साधन की अवसर लागत जो है वो इसमें पहले से दी गई होती है। हम देखते हैं कि जो साधन की मांग और पूर्ति के द्वारा मूल्य निर्धारण होना है इसका, उसमें साधनों की मांग सबसे पहला अहम टॉपिक है जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उत्पत्ति के किसी साधन की मांग उसकी सीमांत उत्पादकता पर निर्भर होती है। एक फर्म किसी साधन विशेष की इकाई को उस सीमा तक प्रयोग में लाएगी जब तक कि साधन की सीमांत उत्पादकता का मूल्य VMP साधन की सीमांत लागत MFC के बराबर नहीं हो जाता। यदि साधन की सीमांत उत्पादकता का मूल्य VMP साधन की सीमांत लागत से अधिक है तो फर्म के लिए उस साधन की अधिक इकाइयों का प्रयोग करना लाभदायक होगा। अतः जब तक साधन की सीमांत उत्पादकता साधन की सीमांत लागत के बराबर नहीं आ जाती तब तक ही फर्म उस साधन की इकाइयों का प्रयोग करती जाएगी। कोई भी फर्म किसी साधन को उसकी सीमांत उत्पादकता से अधिक मूल्य नहीं देगी, यानी कि किसी साधन की सीमांत उत्पादकता से ज़्यादा मूल्य नहीं देगी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई उत्पादक अपने यहाँ उत्पादन कर रहा है तो वो जितने भी रुपए या जितनी लागत लगा करके किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है वो उससे ज़्यादा पैसे उस चीज़ के उत्पादन को या उसकी मांग को डिसाइड करने के लिए नहीं देगा, और उस लागत से ज़्यादा मूल्य वो किसी भी हालत में खर्च नहीं करेगा। इसीलिए ये होता है कि जो सीमांत उत्पादकता होती है वो सीमांत लागत के बराबर आने तक की तो कोई भी उत्पादक उत्पादन करता है, पर अगर सीमांत उत्पादकता सीमांत लागत से और ज़्यादा आगे चली जाती है तो फिर स्थिति में जो होता है कि वो उत्पादन कम कर देता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं साधनों की मांग के बारे में, तो हम लोग पॉजिटिव पॉइंट की तरफ देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों को नीचे एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें कि हम लोग इस साधनों की मांग को अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें मेन इतना ही है कि जो डायग्राम देख रहे हैं हम लोग उसमें OX अक्ष पर साधन की मात्रा और OY पर साधन के मूल्य को लिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे किसी भी वस्तु की सीमांत उत्पादकता बढ़ती जाएगी या ऊंची होती जाएगी, उसी के साथ साथ उस वस्तु का जो मूल्य है वो भी बढ़ता जाएगा और ऊंचा होता जाएगा। ठीक उसी तरह अगर किसी वस्तु की सीमांत उत्पादकता में कमी आती है तो उस वस्तु की जो मूल्य होता है मार्केट में वो भी क्या होता है समय के साथ साथ और उसके साथ साथ कम होता जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि जब साधन की मात्रा OQ है तो यहाँ पर मूल्य OP निर्धारित हो रहा है। फिर उसके बाद अगर साधन की मात्रा OQ1 हो जाती है तो फिर मूल्य भी उसके बराबर यानी OP1 हो जाता है। फिर अगर हम लोग साधन की मात्रा को OQ2 कर देते हैं तो फिर इसकी मूल्य जो होता है वो OP2 हो जाता है। इस प्रकार से ठीक है। फिर आगे हम लोग अब देखेंगे कि साधनों की मांग तो हम लोग देख लिए, साधनों की पूर्ति किस प्रकार से होती है उसके बारे में। उत्पत्ति के किसी साधन की पूर्ति उसकी अवसर लागत के बराबर होती है। अवसर लागत मुद्रा की वह मात्रा होती है जो किसी साधन को किसी दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक
वैकल्पिक प्रयोग से प्राप्त हो सकती थी। यानी कोई भी साधन किसी वर्तमान उद्योग में तब तक बने रहता है जब तक कि उसको किसी और सर्वश्रेष्ठ उद्योग से प्राप्त होने वाली उसकी जो पारिश्रमिक है वो प्राप्त हो जाती है। यदि वर्तमान उद्योग उसे वह पारिश्रमिक नहीं देता जो उससे किसी अन्य श्रेष्ठ उद्योग में लग करके प्राप्त होगी, तो फिर ऐसी स्थिति में वह साधन उस वर्तमान उद्योग को छोड़ करके किसी और उद्योग को ज्वाइन कर लेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अतः वर्तमान प्रयोग में एक साधन की लागत या पूर्ति कीमत उस साधन की अवसर लागत पर निर्भर करती है जिसके नीचे उस साधन की कीमत नहीं गिर सकती है। अब हम लोग देखते हैं साधनों की पूर्ति को प्रेजेंट करता हुआ एक चित्र, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं साइड पे। तो यहाँ पर सब लोगों को पता है कि मांग का नियम क्या होता है और पूर्ति का नियम क्या होता है, ठीक है। अगर किसी वस्तु के जो मूल्य होते हैं वो गिरते हैं तो उस चीज़ की मांग बढ़ जाती है, और अगर किसी वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं तो उस चीज़ की मांग घट जाती है। लेकिन पूर्ति के साथ ऐसा नहीं है, पूर्ति के साथ और जो वस्तु का मूल्य होता है उनमें एक बराबर का रिश्ता होता है। अगर मूल्य बढ़ेगा तो पूर्ति बढ़ेगी, अगर मूल्य घटेगा तो पूर्ति भी घट जाएगी, और उसी को प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर सामने जो डायग्राम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये SS पूर्ति रेखा है, E2 ये साधन की मात्रा है, अगर साधन की मात्रा है हमारी OQ2 तो इसकी पूर्ति कहाँ पर की जा रही है, जबकि साधन का मूल्य जो है OP2 था। यदि साधन का मूल्य थोड़ा बढ़ जाता है यानी OP1 हो जाता है तो फिर साधन यानी कि जो साधन हम लोग यूज़ कर रहे थे उसकी पूर्ति भी है वो भी बढ़ जाएगी। साधन का मूल्य अगर थोड़ा और बढ़ जाता है और बढ़ करके OP हो जाता है तो फिर जो इसकी पूर्ति मार्केट में थी वो भी बढ़ा करके OQ के बराबर कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से इन दोनों में एक समान रिश्ता बढ़ता है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, यदि मूल्य बढ़ेंगे तो पूर्ति भी बढ़ा दी जाती है। अब देखते हैं कि साधन का मूल्य निर्धारण, साधनों की मांग देख लिया, साधनों की पूर्ति देख ली, अब साधन का मूल्य कैसे निर्धारण होता है। सिंपल है कि जहाँ पर भी मांग और पूर्ति रेखा एक दूसरे को काटेंगी उस स्थिति में वहाँ पर साधनों का मूल्य निर्धारण माना जाएगा और वही बिंदु साम्य बिंदु होगा। यहाँ देखते हैं साधन का मूल्य उस बिंदु पर निर्धारित होगा जहाँ उस साधन की मांग व पूर्ति बराबर हो जाती है, इसे साधन का संतुलन मूल्य कहा जाता है। जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है साधन की मांग उत्पादकों द्वारा की जाती है और इसकी पूर्ति उसके स्वामियों द्वारा की जाती है। साधन का अधिकतम मूल्य जो उत्पादक देने को तैयार होंगे, उसकी सीमांत मूल्य जिस पर उसके स्वामी उसकी पूर्ति करने को तैयार होंगे उसकी अवसर लागत के बराबर ही होगा। साधन का मूल्य भी अधिकतम एवं न्यूनतम इन दोनों सीमाओं के बीच किसी बिंदु पर निर्धारित होगा। तो अब देखते हैं हम लोग इसको प्रेजेंट करता हुआ एक तालिका और फिर उसके बाद उसका डायग्राम। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हम लोग के सामने एक तालिका बनी हुई है जिसमें साधन का मूल्य, साधन की मांग और साधन की पूर्ति दी हुई है, ठीक है। तो उसी को प्रेजेंट करता हुआ नीचे यहाँ पर हम लोग डायग्राम देख रहे हैं। OX अक्ष पर यहाँ साधनों की मात्रा ली गई है और OY अक्ष पर यहाँ साधन का मूल्य लिया गया है। प्रस्तुत रेखा क्षेत्रों में साधन मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को प्रदर्शित किया गया है। DD जो है वो मांग वक्र है जो कि ऊपर से नीचे से गिरता हुआ होता है, और SS ये जो देख रहे हैं आप ये पूर्ति वक्र है जो कि बाएं से दाएं नीचे की वो मतलब बाएं से दाएं नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ होता है। ये दोनों वक्र एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं, अतः यहीं पर साधन का मूल्य निर्धारण होगा। अतः साधन का संतुलन मूल्य ओ और संतुलन मूल्य आगे से जो रेखा खींचेंगे उसका नाम दे देंगे पी, तो संतुलन मूल्य यहाँ पर हो जाएगा OP, ठीक है। यदि मूल्य हम मान लेते हैं कि OP से बढ़ गया और OP1 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर OP को साफ करके लिखती हूँ, OP1, ठीक है। OP1 हो गया यानी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर मूल्य बढ़ा रहे हैं यानी कि हम लोग की यहाँ पर जो मांग होगी उसकी, ठीक है, वो P1
ई टू, ठीक है, वो क्या होगी यहाँ पर पी वन ई टू होगी, जो इसकी मांग होगी यानी कि डी डी रेखा तक। इसको साफ करके दिखाती हूँ आप लोगों को, यहाँ पर देखिए कि मांग कितनी हो रही है, ठीक है। पहले जो मूल्य निर्धारण हुआ था वो था ओ पी, यहाँ सेंटर वाला, फिर उसके बाद ओ पी वन हो गया। ओ पी वन पर जो मांग रेखा आ रही है डी डी, उसको जहाँ पर भी यहाँ से सीधी रेखा खींचे टच करे वहाँ पर नाम दे दीजिए ई टू बिंदु, ठीक है। तो मूल्य बढ़ने पर डी डी हो गया ई टू, जबकि एस एस यानी उसकी जो पूर्ति है वो कितना है ई वन है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम लोग की जो पूर्ति है वो मांग से ज़्यादा हो रही है, जैसा कि मांग और पूर्ति का नियम हम लोगों ने पहले ही बताया है। तो यहाँ पर अतिरिक्त पूर्ति प्राप्त होगी। अब मान लीजिए कि यदि हमारा मूल्य जो है वो ओ पी वन से घट करके ओ पी टू हो जाता है, तो मूल्य कम हुआ है, तो यहाँ पर मांग का नियम यह कहता है कि मूल्य कम होगा तो किसी भी वस्तु की मांग जो है वो बढ़ जाती है। और अगर यहाँ पर पूर्ति का नियम देखा जाए तो यहाँ पर मांग, यहाँ हमारी जो कीमत है वो कम हुई है, यानी कि पूर्ति भी कम की जाएगी। तो जहाँ पर एस एस रेखा है वहाँ पी टू से एक सीधी रेखा खींचे, जहाँ पर एस एस रेखा टच करे वहाँ ई थ्री नाम दीजिए, और फिर जब बाद में वो डी डी रेखा को टच करे तो वहाँ पर ई फोर नाम दीजिए। तो यहाँ पर ई थ्री और ई फोर के बीच का अंतर आप देख रहे हैं, एस एस यानी पूर्ति जो है वो कम की जा रही है जबकि मांग जो है वो ज़्यादा की जा रही है। तो ये जो डिफरेंस हुआ ये हुआ हमारा अतिरिक्त मांग। यह अतिरिक्त पूर्ति मूल्य को नीचे से ऊपर की ओर संतुलन की स्थिति में ले आएगी। यदि साधन का मूल्य ओपी से घटकर ओपी टू हो जाता है तो इस मूल्य पर साधन की मांग पी टू ई फोर तथा पूर्ति पी टू ई थ्री होगी। परिणाम स्वरूप ई थ्री ई फोर साधन की अतिरिक्त मांग होगी जो मूल्य ऊपर की ओर साम्य की स्थिति में ले जाएगी। यानी कि हाँ, अगर कहने का मतलब ये है कि चाहे मूल्य यहाँ से बढ़कर के ऊपर की ओर जाए तो ज़्यादा दिन तक मूल्य ऊपर नहीं रह सकता और उसकी मांग कम हो जाएगी, जिसके कारण फिर से जो कीमत है वो कम कर दी जाएगी, और कीमत कर दी जाएगी तो मांग ज़्यादा बढ़ जाएगी, मांग बढ़ेगी तो फिर से रेट बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो चक्र है ये चलता रहेगा। सिंपल बात ये है कि जहाँ पर डी डी और एस एस एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर मूल्य का निर्धारण होगा, और इसी प्रकार से साधनों का मूल्य निर्धारण किया जाता है। और यही है आधुनिक अर्थशास्त्रियों के द्वारा प्रतिपादित मांग और पूर्ति का सिद्धांत, जो कि आज हम लोगों ने देखा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे जब हम लोग बात करेंगे लगान के सिद्धांत के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।